हम क्या बोल रहे हैं? कह देते हैं। सब खुद ही डिसाइड करना है मम्मी, तो हमको क्यों बुलाती हो मंत्रणा में? सुबह सुबह सब काम धाम छोड़ के आए हैं, और हमारे मैटर में तो कभी नहीं होती मंत्रणा। क्यों होगी? वो है ना कुलदीपक, उसके लिए तो कास वास धर्म वरम सब हवा हो गया ना। मोहम्मदन लड़की लाने को तैयार है चाची, हमारे लिए तो अपने चॉइस का ठाकुर लड़का भी मना था। शादी से पहले कोई था क्या? एग्जाम्पल दे रहे हैं, इमेजिनेशन नन है क्या तुम्हारा? देखो हम कहां कर रहे थे, हाँ है? चार साल से जिद पकड़े बैठे कि इसी लड़की से शादी करूंगा, इसी लड़की से शादी करूंगा। आज तो क्या कर रहे हैं, कुंवारा रह रहे थे जिंदगी भर, है? और भाई के गुण नहीं देख रही हो? चार साल से पूरे परिवार का मान बचाए हुए है। और क्या मम्मी, वैसे अकेला रह रहा था देहरादून में, वो चाहता तो वहीं से भाग कर शादी कर सकता था ना, करी क्या उसने? बेबी तुम बोलो। चाची क्या बोलेंगी, फूलर से इतना तो डिसाइड कर नहीं पाई कि मोतियाबिंद की सर्जरी करानी है कि नहीं। अरे तुम चुप करो, तुम बताओ बीबी चाची। नहीं तो इसमें हम क्या बताएं, वो होते तो समझाते उसे। अब उसे तो गए 8 साल हो गए, अभी भी उसी की जिम्मेदारी चल रही है क्या? बेबी तुम बोलो, तुम्हारा इकलौता बेटा है, बोलो। तो बिस्किट कब लग रहे भाई जी? कब लग रहे? अच्छा देख नहीं रहा है, चुईया दांत मार गई रात को क्या? आप भी भाई जी। और दिखा फोटो। और नहीं देख सकते, ये हमारी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है ना। ये सही लगेगी जोड़ी, मतलब भैया एकदम फिट और ये मोटी नहीं है। तो ठीक तो है, हाथ में भी तो है कुछ। मतलब हम यही कह रहे थे कि हेल्थ भी तो जरूरी है ना। सबकी छोड़ो, आप बताओ ना क्या करें। हम सोच रहे हैं कि नाजनीन के परिजनों से भेंट करें। नहीं। हाँ? और तारीख निकलवाएं। हाँ? अरे कह रहे तारीख निकलवाओ। हेलो महिला थाना। मैडम जी 354 366 498 इन्हीं सब धाराओं में अटके हुए हम, थोड़ा 302 307 हो तो कुछ थोड़ा एडवेंचर है। दिक्कत क्या है तेरे को, जो ट्रांसफर चाहिए महिला थाने में पोस्टिंग के लिए ना अर्जियां लगती हैं। ये हम खोल देते हैं। एक तू है, गोपियों के बीच में भीष्म पितामह बना हुआ है। मैडम काम के बीच में सास ननद की बुराई, सिलाई बुनाई, कुकिंग रेसिपी, ये सब होता है। और ऊपर से वो हमारे केबिन के बीच एक नर्सरी खोल दिया, बच्चों की कैंके से कान से खून निकल जाता है। मन नहीं लग रहा मैडम। मन लगाने आया कि काम करने आया है? FIR देखे जो तेरी टीम ने टाइप की है,
सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है कंप्यूटर ट्रेनिंग पे, पता है? हैं? जा दोबारा करके ले क्या? ये दे दे। ये वो फ्री हो गया, हम खुलवा क्या? जा। तो इस तरह से मत पकड़िए, माउस है, नीचे रख दीजिए इसको। राजनीन। ये सर। क्या ये? रिपोर्ट है जनाब। ये रिपोर्ट है? हैं? एक पेज पे 6 बार फॉन्ट चेंज किया हुआ है, स्पेसिंग अलाइनमेंट का कोई हिसाब ही नहीं है। तो दिल से लिखो, सहेज के। FIR है जनाब, लव लेटर थोड़ी ना है। बड़ी हंसी आ रही है? ए बच्चे पार्टी, तमीज से बात किया करो, अफसर है तुम्हारे, पेरी डू करना पड़ेगा। हाँ ताई जी बोलिए, प्रणाम। शार्दुल भैया। प्रणाम बेटा, वो तुमने बात की थी ना नाजनीन की? तो उस पे चर्चा हुई घर पे। एक सेकंड आई जी, ये खोल के ना मैडम को भिजवा दो जी। हाँ ताई जी। हाँ तो भैया, हाँ कह दी सबने। क्या हुआ भैया, खुश नहीं हो? अरे खुश कैसे होंगे ताई जी, वो आप लोगों ने रिश्ता कबूल करने में इतना वक्त लगा दिया, उसने कहीं और बोल दिया कबूल है, बताओ। अरे कह रहा नाजनीन की तो शादी हो गई। हेलो भैया, क्या हुआ, सही सुन रहे, शादी हो गई? हाँ मम्मी बोल तो दिया, आप क्या लिखित में दें? कार्ड दिया। मम्मी आप अब क्या सैड क्या हो रहे हो, खुश हो ना, अब ढूंढते हैं अपने कास्ट की लड़की। ये क्या कर रहे हैं? अरे अब अंडर 18 टीम का सिलेक्शन है, तो कोच ने बोला है हाथ पांव थोड़े शेव मार के आना है, स्ट्रिक्ट हो गए हम सिलेक्शन वाले। ये देख, सब मुझे तेरा बड़ा भाई कहते हैं, बेकार ही बनाया तेरा अंडर एज सर्टिफिकेट। सुमी बोलू क्या बोलू, सुमी क्यों करेगी नमन के हाथ से? मैसेज कर दो, टाइम नहीं है। अरे लिखना भी तो मेरे मम्मी है मौन व्रत में। चलो इकट्ठे हो सारे, शुरू करो। वो डेटिंग आपके बारे में कहा था ना तूने? वो लड़का मिलने को कह रहा है। तो मिलो, चाटी करते रहना। Don't get physical first time में। Switch. तेरा दोनों टांग तोड़ दो, चल तेरा बाप हफ्ते में आएगा आज, मुझे लगाएगा तू, चल लगा रहा हूँ। ये कहाँ भाग रहा मजूर सर? उस लड़की को छोड़ के भाग रहा था सर ये।
पुलिस को देख के आशिकी निकल गई है। ये निभाएगा साथ जिंदगी भर। एक और मार। रुक रुक, पकड़ पकड़। सर सर। हाँ सर, यस्मिन सर। यस्मिन निकलो। चलो निकलो। अरे निकालना बाहर, शर्मा पी रहे हो। चलो निकलो। अरे सर सर सर। अरे ये तो होमो है। सर सर, दो होमो पकड़े हैं। ए चलो इन्हें पकड़ो। पूरा नीचे करो बेटे। भाग यहाँ से, भाग। देश का माहौल खराब कर रखा है इन लोगों ने। ओए क्या सर? चिता मम्मी को फोन लगाओ। करो ऊपर नीचे ढंग से। अब क्या देख ले? नहीं देख ले, देख ले। पार्क में आया। लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट। आपको कोई बुला रहा है? गुड मॉर्निंग मैम। और मेरी सुमी यहाँ पर बहुत बड़ी टीचर है। तुम तो कह रही थी बहुत गोरी चिट्टी है, और फोटो में भी कितनी अलग दिख रही थी। सामने से कितना दबा दबा रंग है। ऐसा कुछ नहीं है सुमी, चेन नीचे करो। क्या? अरे हमसे क्या शर्माना, देखा कर रही हो? देखा कितनी गोरी चिट्टी है। इधर आओ। वो तो धूप में पीटी कराकर उसका रंग थोड़ा सा दब गया है, और वैसे भी कौन सी सारी जिंदगी नौकरी करनी है इसको। मैं क्यों छोड़ूंगी नौकरी? तो घर कौन संभालेगा बेटा? घर किसका है? फिलहाल किराए का है, लेकिन मेरे संजू ने बहुत बड़ा प्लॉट लिया है डालन वाला में। अच्छा? हाँ डालन वाला में। हाँ फोटो देख सकती हूँ? अरे आपके पति की नहीं, संजू की। संजू ही है। ओ वैसे मोहसिन आपको बताया नहीं होगा, मेरी एक बार पहले सगाई हुई थी, शादी के दो हफ्ते पहले लड़का गुजर गया। एक लौता बेटा है ना आपका संजू, इतना बड़ा चांस लेंगी उसके साथ? अरे कुसुम, अरे कह देना अपनी मम्मी को मुझे आइंदा बिल्कुल फोन ना करें। कुसुम, अरे कुसुम मेरी। तूने प्रिया मौसी से क्या कहा है? हैं? फोटो देखी थी आपने? अंकल था। 31 की हो गई है? हैं? तुझे लड़के चाहिए क्या? अरे अंकल मिल रहे, अपनी किस्मत समझ। हर बार नया बहाना। क्या बहाना? एक अच्छा लगा था ना मुझे, हाँ भी करी थी मैंने। क्या हुआ? 6 साल हो गए उसको मरे हुए, उसके माँ बाप भी भूल गए होंगे अब तक। तू पकड़ के बैठी रहे हैं? और मेरी किस्मत में तो यही लिखा है कि दूसरों के बच्चों की शादी में जाके मेहंदी लगवाऊं। तेरा भविष्य क्या है? गणित की टीचर बन जाती, साइंस पढ़ाती? नहीं जी, पीटी टीचर बन गई, उसकी तो ट्यूशन भी नहीं होती है। बड़ी मेरे भविष्य की चिंता हो रही है आपको? हाँ हैंडबॉल क्यों नहीं खेलने दी? हुआ था ना नेशनल में सिलेक्शन, आज ना रेलवे की नौकरी होती मेरी। इस निकम्मे का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दिया आपने। हुआ इसका सिलेक्शन? क्या उखाड़ लिया इसने? लाउडस्पीकर ले आऊं? जाके पूरे मोहल्ले को बता दे तू। ओ बदतमीजी मत कर मेरे साथ, बता दो इसे इसके नकली सर्टिफिकेट पैसे भी मैंने दिए थे। मम्मी मम्मी करता रहता है। मम्मी एक बात बता, तू अपनी उम्र के बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल सकता है? क्योंकि ये डफर है। उर्वशी है ना, कलीग है मेरी, स्कूल के पास रहती है, उसी के साथ शिफ्ट हो रही है। रेंट हम दोनों के बीच में डिवाइड होगा। पापा सुन रहे हो ना आप मेरी बात? जा रही हूँ मैं, हमेशा मेरे पीछे पड़े। वो डॉक्यूमेंट्स ये थे। ये रे। पूरे? कितना हुआ? देख रही छोटी है तुझसे, फर्स्ट टाइम से बुलाती मुझे प्रेम। पापा मैं सीरियस हुआ, जा रही हूँ मैं, नहीं चलते आपके पत्नी के रोज रोज के ताने मुझसे। लोग क्या कहेंगे? प्रिया ना कर पाए तो बिन ब्याह पिता करती बेटी। मम्मी की बातों को क्यों सीरियसली लेती है? बाप से सीख, यहाँ से सुन, अंदर से निकाल, शांति बनी रहेगी घर में। शांति तो मम्मी के जाने के बाद ही आएगी। तो लंबी वेट है भाई। आप भी हो जाओ ना मेरे साथ शिफ्ट। काबुड़िया के चक्कर में फंसे हुए हो, मिल जाएगी कोई प्रेम बुलाने वाली आपको। अच्छा।
हेलो नोनू, पूछो आप कैसे हो? कैसे हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। बाय। क्या? अरे भाग, कितना याद करती है तुझे, हमेशा पूछती रहती है सुमू कहाँ है, फोन क्यों करा था? वो सुन, मैं अगले हफ्ते घर आ रही हूँ, सोचा मिलते हैं। इस बार मत टालियो, तू अपनी फैमिली संभाल, ठीक? हेलो, सॉरी मैं किसी का वेट कर रही हूँ। सुमन सिंह, राजू, हैरानी हो रही है? सुमन जी, होल्ड होल्ड करो एक बार। सुमन जी, एक बार बात सुनो, पर थोड़ी सी हमारी बात सुनो। आपको बॉयज बिल्कुल पसंद नहीं है, एक बार ट्राई कर लो। पीछे हटो, तुम्हारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, समझे? हेलो। हेलो सुमन, राजू, बड़ी फाइट मार के तुम्हारा नंबर निकाला। अभी जेरोक्स करना, 16.1 to 16.3 चैप्टर। जाओ वरना कंप्लेन कर दूंगी। ओहो, कर दो, मैं भी कर देता हूँ एक्सपोज। दोस्त तो करना, दो कॉपी करना। देखो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, प्लीज मुझे परेशान मत करो ना। मैं भी तो रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, कौन सा गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह रहा हूँ। एक बार कर लो बस। 20 रुपया। 20? बाय मैम। कौन था? एक स्टूडेंट। नाम? समन। टाइट। हाँ मम्मी, प्रणाम, बोलो। अरे नहीं देखी अभी, ड्यूटी पे हैं हम। अरे मम्मी, ताजा ताजा दिल टूटा है, थोड़ा रोने का टाइम भी नहीं मिला अच्छे से। अब घाव तो भरने दो, अब हम बाद में करते हैं, हम बिजी, बाद में करते हैं। प्रणाम। टाइटल? सिंह। पंजाबी? नहीं, ठाकुर है यूपी के। जेंडर? आपको क्या लगता? अब फीमेल। ये जो तंग करे लड़का, उसका नाम? राजीव पड़ी से पदी सेटी। सर, राजीव पदी सेटी। मुर्गा बन, अब मुर्गा बन गया ना तो हमारे डिनर के लिए अंडे भी तू ही देके जाएगा। सर,
अंडे तो मुर्गी देती है ना। सॉरी सर। पुलिस वाले सर टेक्निकल बातें कर रहा है, निकालो तेरी इंजरी, निकालो। चल हाथ आगे कर, हाथ आगे कर, सर हाथ आगे कर, हाथ आगे कर सर, प्लीज सर, प्लीज हाथ सर, प्लीज सर, सर राइट नहीं सर, कल पेपर है सर, राइट वाला नहीं। अरे मैडम, मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। मिल गया वो? अरे कैसे नहीं मिलेगा, आज तक कभी आपको तंग नहीं करेगा, समझा दिया अच्छे से उसे। सर समझाया आपने? बर्फ की सिल्ली पे नंगा लटा के मारा क्यों नहीं उसे, हाथ पैर क्यों नहीं तोड़े आपने उसके? समझा दिया उसे? नहीं हुआ। पर आप टेंशन मत लीजिए, आज के बाद किसी लेडीज को तंग नहीं करेगा। अरे सॉरी, वो लेडीज तो औरतों को बोलते हैं, तो यंग हो, गर्ल हो, गर्ल, युवा। सर मैं क्या पढ़ाती हैं आप? SST? नहीं, फिजिकल एजुकेशन। ओ PT? मैं चलती हूँ। हाँ हाँ सीनियर क्लासेस देती नहीं है ऊपर से, आई डोंट नो। अरे देखिए मेरे आगे तो कुछ भी नहीं बोलती हूँ। एक बार उठा के देख लो तो। चना आई। हेलो। क्या कर क्या रहे हैं आप, पीछा कर रहे हैं मेरा? देखिए अपनी सेफ्टी के लिए आती है कोई लड़की पुलिस स्टेशन, अब पुलिस ही पीछे पड़ जाएगी तो कहाँ जाए हम? हाँ आप जैसे समझ नहीं, वैसा नहीं है वो, पुलिस वाला बैठा नहीं है ये। तो क्या बात है फिर, बात कर सकते हैं 2 मिनट एकांत में? क्यों? प्राइवेट मैटर है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ यहाँ आई, इससे बेटर जगह नहीं मिली आपको? यहाँ वो डिस्टर्बेंस नहीं होगी ना, आपको बता देना थोड़ा पर्सनल मैटर है। बोलिए। हाँ वो आपने रिपोर्ट पे लिखवाया था ना, आप ठाकुर कास्ट है, फीमेल एज 31, तो फैमिली से प्रेशर तो होगा मैरिज का, हम भी 32 के लग गए, सेम कास्ट। आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि हम शादी कर ले? हम बेकार में इतना घबरा रहे थे, आपने कैसे फट से बोल दिया है, ये तो बहुत सही है। देखिए भाई साहब, मेरी पहले एक बार सगाई हो चुकी है और शादी के 2 हफ्ते पहले लड़का मर गया। कैसे? एक्सीडेंट में। सेल्फ ट्रैक कहाँ, कौन सा थाना लगता है? सिनाक कर रहे हैं क्या, समझ नहीं आ रही आपको? पनौती हूँ मैं बहुत बड़ी। अरे एक सेकंड, आप रुकिए तो सही, बैठिए तो सही 2 मिनट प्लीज। देखिए हम सॉरी प्रोटीन शेक, देखिए हम काफी ब्रॉड माइंडेड हैं और हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, और सच बताना हमें तो लगता है कि हमारी ना एकदम राम मिलाई जोड़ी है। यार आप बात समझ नहीं रहे हैं क्या, मुझे शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं करनी मुझे शादी वादी। हमें पता है। क्या पता है? कि राजू ने बताया हमें कि आपका 0 इंटरेस्ट है लड़कों में, समझते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखिए जैसे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लड़कों में है ना, पर क्या वो तो होते हैं ना, वो जो बोलते हैं ना क्या, हम आप ही हैं, हम सब समलैंगिक हैं। क्या है? समलैंगिक हैं हम। कौन है? सिरोही, सिरोही क्या है सर? क्या 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 सुना, क्या सुना तुमने? सर कुछ नहीं सुना, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। क्या 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 नहीं बताओगे सर? यही कि आप और मैडम यहाँ। ओ हाँ वो हम थोड़ा जाओ यहाँ से, चलो सर लगे रहिए, चलो।
सुना नहीं होगा ना। पानी? हाँ पानी। नहीं नहीं पानी पानी ठीक है ठीक। हम क्या कह रहे थे कि आप ये हैं? हाँ हम ये कह रहे हैं कि अगर आप और हम आपस में शादी कर लें तो हमारे परिवारों की चिक चिक बंद हो जाएगी, है ना? और फिर हम आराम से रह सकते हैं, अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं साथ में, लाइक रूममेट्स। मैं कैसे मान लूं कि आप गया? अरे अब हम इसका थोड़ी सरकार सर्टिफिकेट देती है कि आप हैं, जो है वो है। अब है, अब वैसे भी ऐसे कोई थोड़ी बोल देगा कि हम हैं उनके, होंगे ना? बताइए, आपकी रक्षा भी कर लेंगे। मैडम थोड़ा अंदर आइए, थोड़ा और पैर ऊपर स्ट्रेट लेग, स्माइल, ये लगाना हंसों का जोड़ा। हंसिनी, सरिता, विनीता, निशिता, उदिता एंड माइसेल्फ रेखा। रेखा क्योंकि हमारे पास पापा ने रेखा खेल दी की नो मोर। हम डॉक्टर अनु परिहार, डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी। जी हाँ जी। नो देखो टाका जी, अरे टाका जी, भाई घर वालों की पार्टी हो गई, मूड में आ गए, देखो काका जी, अरे काका जी, क्या खूब मिली है जोड़ी, परसर मिली है थोड़ी, ये चंदा जैसे भाभी कुछ मिली कैसे भाई, नो 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 नो, अरे लाया कहां से राजा। नाज़नीन नहीं है? रब ने मिला दी जोड़ी, कोई भी काट न पाए, कोई न जाने कैसे स्टोरी में प्लॉट घुसाए, वो सूखी सोल जवानी में आया फिर मोड़ कहानी में, हर रुई टला के रेडी फिर मैं जल्दी से बचाए, नो 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 नो, अरे सर कि अब तो बच्चों की शादी भी होनी है, अगर पुलिस कॉलोनी में एक क्वार्टर का प्रबंध हो जाता तो।
हाय, रेडी हो तुम? हाँ? तो घूमने चले? नहीं, वो कबीर आएगा ना तो हम उसके साथ। ओ, तुम्हारा तो रियल वाला हनीमून चल रहा है। सही है। How much? Hi. हाँ, वो घर वाले सेल्फी के लिए बोल रहे थे तो खींच ले सेल्फी। हाँ, आ जाओ। काफी अच्छा होटल है। महंगा होगा ना? कबीर की चॉइस है ना। कबीर कहाँ? कबीर सुबह से फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। पता है हमने आज तक कभी के बारे में किसी से बात नहीं की, तुम्हारे सिवा। थैंक यू। सेल्फी ले ले। हाँ, सेल्फी ले। एक ग्लास रख देते हैं अपना, ऐसा लगेगा ना शराब पी रहे थे इतनी। हम ना कर ले लेंगे। हाँ, कर ले लेंगे। करने क्या? अरे कहाँ जा रही हो? बैठो ना थोड़ी देर। नहीं, मैं चलती हूँ। हम पुलिस है, तुम घबरा क्यों रही हो? कम कम सिट सिट। तो तुम हमेशा से पुलिस में जाना चाहते थे? पुलिस? किसे बनना था पुलिस? ये बनना था हमें। ये क्या कर रहे हो तुम शार्दुल? प्लीज ठीक है ना? पर 10 साल पहले तो डबल थे हम इसके। पत्थर क्यों? पत्थर है, पत्थर बैक देख रहे? ये बनना था मैंने, देख रही हो? मिस्टर इंडिया। कैसे देखूंगी, मिस्टर इंडिया तो दिखता नहीं है ना। मजाक कर रहे हो? ठीक है, सही उड़ा लो। हाँ, मतलब क्या किस्मत ने मजाक उड़ाया। 3 साल जम के ट्रेनिंग की थी हमने, 6-6 घंटे जिम तोड़ देते थे हम, वो सब भी नहीं लिया हम कभी। पंपिंग आयरन 35 बार देखी हमने, उसकी VCD चुरा रहे थे हम, रोज देखते थे। क्या कुछ बोले? नहीं। अच्छा, तो वो जब 4th साल जब आया कॉम्पिटिशन का, हमारे पापा ही लुढ़क गए। बताओ, शहीद हुए थे ना? हाँ, शहीद हुए थे। हमारे पापा एक झटके में शहीद हुए, यहाँ हमारा
एयर इंडिया बोल रहे हैं, मिस्टर इंडिया बनने का सपना ही हलाल हो गया। फिर सरकार ने नौकरी दे दी हमें, और हमारे देश में तो कोई बस की सीट ना छोड़े। तुम छोड़ोगी? नहीं छोड़ोगी? सरकारी नौकरी कैसे छोड़ दे, कोई बताओ है? सोचो एक एक गे आदमी पुलिस में, पता चोर चक्कू से ज्यादा हवाई भरती है पुलिस, कल पकड़ लिया तो है? तो तुमने वो देखिए रोबोकॉप, हम होमोकॉप है, हमें कॉप होमोकॉप है, हम हम क्या होमोकॉप। सर तो हम ठीक है, ठीक है। बड़ा तो खाने का हमने हाय कबीर, आज सुबह आया सामान, मैं भी लेके आता हूँ थोड़ा सा, फिर हनीमून मनाते तीनों साथ में। शीरा आता हूँ। सुनो, स्कूल में है क्या? स्कूल में है क्या? अरे नहीं नहीं, एमबीए कर रहा है। हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो, दोनों की लकीरों की मन्नतें भी पूरी हो, तेरे मेरे बीच की दो कदम की ये दूरियां मांगे मंजूरियां। छोटी छोटी सी खिड़कियाँ झांकती है जिसमें दो पगली सी अखियाँ, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखती है ये अर्जियाँ, बार बार आ रही मीठी हिचकियाँ, तेरी मेरी सांसों की रेशमी सी ये डोरियां मांगे मंजूरियां, मांगे मंजूरियां, मांगे मंजूरियां, मंजूरियां तेरी मेरी। तीन साल सिर्फ साथ हूँ, उससे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम क्यों होगी? कैसे मिले तुम दोनों? काम नहीं कर रहा है, रोक इधर, रोक रोक रोक।
रुक गया? नहीं फूक इसमें सर आप ही ने तो बोला था सर मैं थूक नहीं फूक बोला था बाड़ी ला बारा 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 सर आई एम वेरी सॉरी सर बार सर बाय ढंग से बाय तो बोल दो बोला तो चल कितना 1000 रुपया सर 500 दो नहीं है सारा खर्चा आधा आधा बटेगा रूममेट है ना असली के मियां बीवी थोड़ी है ये तुम्हारा कमरा है और ये हमारा है हम शहर से कुछ ज्यादा दूर नहीं है अच्छा ना कोई पहचानता नहीं है यहाँ पे जीरो रिस्क है फिर तो साइबेरिया रह लो कोई है ही नहीं पहचानने को साहब से वेट कर रहा हूँ यार शार्दुल अरे कहाँ की कहाँ जा रहे हो यार हो गया ना हो गया लेट अभी खत्म कहाँ है छोड़ना क्यों क्यों मूड खराब कर रहे हो चल क्या मतलब हर बार हम ही है शार्दुल तुझे पता है मेरे को प्रॉब्लम है यार ये घंटा की वर्सेटाइल है हम लोग ऐसे बोलने के लिए बोल देते हो वर्सेटाइल कुछ हर बार हम ही हमारा भी मन है ना देखा अगर तुझे इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो छोड़ मैं जा रहा हूं कबीर उठो प्रेम अंदर से तो तुम्हारी सारी मशीनरी जंग खा रही है बाहर से ही बस यंग दिखते हो हेलो हाँ पापा के साथ डॉक्टर आंटी के आई हूँ नहीं आज नहीं आऊंगी शार्दुल जी को भी बुला लो घर अच्छा चलो बाय ये कुछ टेस्ट लिखे मैंने इनको करवा लो ताकि पता चले कि मामला क्या है नमन 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 कहाँ गया ये क्या है बेटा तेरे तो रास्ते में आएगा ना तेजन क्या ये वो मेरा स्टूल टेस्ट कराना था डॉक्टर पापा यार काली पन्नी में तो क्या है ये अरे अच्छा कैसा एक डब्बा है बेटा मिलेनियम पैथोलॉजी यस सर सारे टेस्ट हैं मेरे पास यस सर यूरिन टेस्ट करवाना हाँ जी आप एक काम कीजिए इस लड़के को लिए और साइन वाले केबिन में जाइए ठीक वहाँ से सैंपल ये इतना सॉरी नो वन सेक सैंपल के लिए ना दिस मच इज इनफ इफ यू कुड या आधा किलो तपती रहा वो सैंपल रख दिया बाकी का लश कर दिया ओके रंजन वो टेस्ट के रिजल्ट लेने का मैम जरूरत नहीं आने की क्यों रिपोर्ट ऑनलाइन आ जाएगा ना सीधे सादे मगर आंखों से मजा हुई है रात में ये चोरी
सीधे सादे मगर आँखों से मजा हुई है। फिर से मेरा नहीं है ये पिंकी का है। ओके पिंकी रिपोर्ट से आए? आ गए तो टेस्ट कराना था। कौन सा? टेस्ट तो कई सारे होते हैं ना, ब्लड शुगर, ब्लड कल्चर, शुगर का, हाइपोग्लाइसीमिया, आई टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पीटी स्कैन, ईसीजी, ईईजी, एक्सरे, या एड्स? नहीं, एड्स का क्यों कराऊंगी मैं? नहीं, ये 299 वाला ठीक है। और तू ही दवा, ऐसे तू मिली है जैसे शाम को हवा, तू ही रास्ते की ठोकर और तू ही दवा। डर लग रहा है? हाथ पकड़ सकते हैं? बेशुमार है सीधे सारे मगर आँखों से मजा। पक्का ब्लड देना है? कॉफी पे भी जा सकते हैं। मतलब फुल लीगल? करीब 500 लोग आए थे शादी में। नॉर्मल कपल की तरह रहते हो? रूममेट्स की तरह। रूम भी अलग अलग है, दोस्त भी नहीं है हम। और फैमिलीज, उनका कोई आइडिया नहीं है? देख, मैं ना तुझे सारा सच बताना चाहती थी ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सही है, मेरे पेरेंट्स तो मुझसे बात भी नहीं करते। लगा था दीदी समझेगी, पर अभी नीस के पास भी नहीं जान देती। तूने बताया ही क्यों? सोचा था फैमिली है ना, समझ जाएगा। सनी, कोई नहीं समझता यार। हम डिफरेंट है ना, तो नहीं लगता कि हम पर्वर्ट हैं। और समझाना भी क्यों है, हमारे लाइफ का हिस्सा है, फ्री लाइफ थोड़ी ना। सिरोही, नाटो मत, सब बेला पुसला के बुलाओ। जी सर। देखो बेटा, जीवन भगवान की देन है। आवेश में आकर से खत्म मत करना।
और तुम जानते हो ना आज हद तक हमारा अपराध है। हमने तुम्हारे माँ बाप को बुलाया है यहाँ, वो तुम्हारे पास पालने को तैयार है। ये प्यार के पंछी ऊपर ही घोंसला बनाएंगे क्या? उतारूंगे नीचे। हाँ शार्दुल, मिठाई मंगवा ले, काम करवा दिया तेरा, शिफ्ट होने के लिए तैयार हो जा। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। मैडम क्यों? अपने ताई जी को थैंक यू बोल, उन्होंने सिफारिश की थी तेरी। ताई जी? हाँ, उन्होंने कहा था पुलिस कॉलोनी में क्वार्टर अलॉट करवा दो, सोमवार शिफ्ट कर ले। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। चलो अच्छा, शहर के बीच तो आए। गुड मॉर्निंग सर, खोलना शुरू करो। शार्दुल, हाँ, ये क्या है यार? क्या? गोवा में भी छोटा कमरा, उस घर में भी छोटा कमरा, यहाँ भी। हाँ तो घर हमारे नाम पे लॉट हुआ है ना, हमारे चारे से कटेगा। ठीक है, फिर रेंट में मेरा कंट्रीब्यूशन भी कम होगा। अरे गाड़ी की चाबी कहाँ? जेब में। क्या हुआ? मेरे पापा ने दी थी, तुम्हारी दहेज की नहीं है। नमस्ते। नमस्ते, आइए ना कभी घर पे। हाँ जरूर, पहले आप आइए सर के साथ कभी घर। अच्छा यहाँ काम वाली बनी रख सकते इसके। ठीक है, तो काम दोनों में बटेगा। नाइस, मैं ना काम वाली बाई भेजी थी, मना कर दिया तुम लोगों ने। जी आज जरूरत नहीं ना, ये सारा काम कर लेती है, स्कूल तो वैसे भी आधे दिन में खत्म हो जाता है, फिर घर में क्या बोर होगी। 420 नंबर सर, बार बार कॉल आ रहा है। आई ना मैम, प्लीज तुम चाय बनाओ। मैडम सर का हाथ है तो ये मकान अलॉट हो गया, आप अगर अब थोड़ा बोल देंगे तो महिला थाने से ट्रांसफर भी हो जाएगी। 3 साल हो गया सर, कुछ इनकम भी नहीं है सर, वहां पर एकदम सूखा पड़ा। ऊपर रहने लगा है तू, कभी इस सर पे बैठेगा? एक सेकंड में आया बस। हाँ, हाँ। क्या चाय क्यों नहीं बना रही? तुम्हारी बारी यार, तुम बनाओ चाय। पूरी इज्जत उतर जाएगी। अगर इज्जत इतनी प्यारी है तो तमीज से बात करो, समझे? नौकर नहीं हो तुम्हारी, बॉस के सामने ज्यादा चौड़े हो रहे हो। नहीं यार, मुझे लगना चाहिए ना कि हम यहाँ पे हैं इसलिए। अच्छा तो मैं बेलन लेके भागू तुम्हारे पीछे? आज का सारा काम तुम करोगे, बर्तन और बाथरूम दोनों, पूरे हफ्ते के। ठीक है बोलो, ठीक है बोलो, ठीक है ठीक है। ये लीजिए, सुमी बहुत से पकौड़े बनाती है। केचप हेलो। हरी चटनी लेके आओ। जरूरत पड़ने पे कुत्तों और इंसानों दोनों को डरने का डर दिखा के यथाव्यवस्था बनाई जाए। बड़ी ढील दे रखी है पति को, पकड़ के रख, ये तो सर पे बैठ जाएगा। सही पकड़ा है तुमने, शुरू से खींच के रखो ना तो काबू में रहती ही है। Thank you.
ऑक्यूपाइड. ये कौन है? कौन है ये? मिस बाथरूम दोस्त है. अच्छा, यहाँ घर में इसे पता है हमारे बारे में? तुमने बता दिया? कबीर को भी तो पता है हमारे बारे में. अरे अरे, पर कबीर को कभी यहाँ नहीं लाए ना हम. तो ले आओ ना तुम कबीर को. मैंने मना किया है क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? ये पुलिस कॉलोनी है, हम पुलिस है. अगर किसको पता लग गया तो क्या क्या पता चल जाएगा भाई? गुड न्यूज है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, कहाँ, अभी अभी तुम खुद बच्चे. अरे वो शिरडी का प्रसाद देने आई थी, कजन गई थी ना अभी. सर की कजन? मेरी कजन. आपकी कजन? ये कौन? कजन है. किसकी कजन? आपकी कजन. आपकी कजन तो सिडी से आई है ना, तो सुमी की कजन. रियल कजन है. टिम टिम, जिल मिल. रिम जिम. रिम जिम. रिम जिम. अच्छा, सिस्टर है सुमी की. नमस्ते. गुड मॉर्निंग. कॉन्वेंट में पढ़िया तो इंग्लिश में ही बात कर. कजन है ना मेरी, कजन तो यार रह सकती है. अच्छा, वो बैग्स पड़े हैं, उन्हें ना ऊपर रख देना. एक 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 सेकंड. अरे अरे, एक सुन, इसको ना उधर रख दे. ये पासपोर्ट पे तो खाली है एकदम, कहीं नहीं गया तो बनाया क्यों? तुझे कोमल के बारे में बताया था ना? कोमल शादी के कुछ महीने बाद आई वापस. पर प्रेग्नेंट थी. मम्मी पापा रहते ना उसके दो गली छोड़ के मेरे घर से. तो ऑब्वियसली हम दोनों मिलने लगे. उसने ना अपने प्रेगनेंसी का सारा काम करवाया मुझसे.
नोनू उसकी थी कि मुझे एकदम मेरी बच्ची लगती थी यार. इतनी छोटी थी, इतनी छोटी जब पैदा हुई, इतने छोटे छोटे हाथ पैर. फिर जब उसको पहला उसका टीका लगा ना, उससे ज्यादा तो मैं रो रही थी. उसकी खुशबू यार, रिमझिम, ओफ. मैं ना घंटों घंटों उसे उठा के चलती थी, क्योंकि वो और किसी के साथ सोती ही नहीं थी. फिर कोमल का पति आया और उन दोनों को वापस ले गया दिल्ली. कोमल की शादी का मुझे उतना बुरा नहीं लगा जितना उस बच्ची से दूर होने पे लगा था. मुझे बच्चा चाहिए था तो मैंने हाँ कर दी शादी के लिए. वो लड़का जब मुझे छूता था ना रिमझिम, घिनाती थी यार, गंदा लगता था. कई बार लगता था कि जाके ना सुसाइड कर लेती हूँ. किस्मत देख, वो लड़का शादी के दो हफ्ते पहले बेचारा. इस सब के बाद ना रिमझिम एक चीज समझ आ गई कि बच्चा चाहिए तो फौरन जाना पड़ेगा. इसलिए बनवाया मैंने पासपोर्ट. बहुत हाथ पैर मारे मैंने, बहुत एप्लीकेशंस भरी, पर कुछ हुआ नहीं. क्वालिफिकेशन ही नहीं है मेरी कोई. अभी तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. हस्बैंड है ना तेरा, आईवीएफ कर लो. अडॉप्ट करूंगी यार, बच्चे को घर भी मिल जाएगा और मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा. पासपोर्ट है मेरे पास, तेरे पास भी है. चलते बाहर करते बच्चा. टेंट में आ रहेगी तो खर्चा तीनों में बटेगा. का बच्चा बर्तन भी धोने पड़ेंगे. यार मम्मी ने बोला था चक्कर ना चलाइयो, मैरिज अरेंज कर सिंपल बहुलाइयो. वर्मा का बेटा जो घर छोड़ के भागा था, ऐसा ना करियो तू हाथ से ना जइयो. यार बोला था चक्कर ना चलियो, मैरिज अरेंज कर सिंपल बहुलियो. बाय गॉड कसम से नियत में कर गई खोट, दिल धड़ गए धम से है बोले लव यू. लट्टू उड़ गया भेजे का जो दिल पे कर गई चोट. बंदी टोट बंदी टोट है दिल पे कर गई चोट. हम सुमी को लेके आते हैं ना. अरे तुमसे भी तो मिलने आए हैं. नमस्ते मम्मी. तुम यहाँ अचानक कैसे? ये कौन है? ये कजन है ना सुमी की. हैं? अरे क्या आप लोग, सुमी की कजन कैसे हो सकती है? हमारी कजन है, रियल कजन. Oh.
कैसी बारी, रोना है रोना है रोना क्यों, पल जो है कल तो ये ना मिले, खुशी जो अभी मिली है मिली है कौन सच अकी है। हेलो हेलो, बाय गॉड कसम से नियत में कर गई खोट, दिल लड़ के दम से है बोले लव यू लॉट, लड्डू उड़ गया भेजेगा जो। अरे गुड न्यूज़ कब दे रहे हो हैं, यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। टिकट बुक कराई कि नहीं कराई, बहू की पहली दिवाली है। हाय दिल पे कर गई चोट बंदी स्टोरी, क्रेजी सी थोड़ी है, आजादियां हैं ये नई सी, जो बेड़ियां सारी ही तोड़ी है। कंफ्यूज हूँ, सब कुछ है न्यू, अब क्या कहूँ, ओ गॉड संभालो। बाय गॉड कसम से नियत में कर गई कॉट, दिल धड़के धम से है बोले लव यू नॉट, लड्डू उड़ गया भेजेगा जो दिल पे कर गई चोट बंदी टोट बंदी टोट, हाँ दिल पे कर गई चोट बंदी टोट। कैसे कर लेती है ये सब? क्या ये जो अभी नीचे करके आई है, चिपक चिपक के खेलना, एक प्लेट से साथ में खाना खाना, कैसे करती है? हटे यार रमजम, लोगों को लगना चाहिए ना कि हम असली कपल है। तो सेक्स कर लेते ना सबके सामने, सबका डाउट क्लियर हो जाता फॉरएवर। चला क्यों रही है तू? पुलिस कॉल नहीं आई है। और तू क्या चाहती है? आगे तेरे गोद में बैठ जाऊं और जोर जोर से चलाऊं कि शार्दुल ने रमजे में मेरी असली पार्टनर? डोंट इवन ट्राई, करेज नहीं है तुम में। व्हाटएवर ड्रामा यू आर प्लेइंग नो, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एनीमोर। कभी इसकी कजिन बन जाओ, कभी उसकी कजिन बन जाओ, नहीं होगा मुझसे। इसी ड्रामे की वजह से तू हमें साथ रह रहे रमजे। लाइफ में पहली बार अपने घर पे अपने टर्म्स पे रह रही हूँ मैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। इसलिए मुझे झूठ भी बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी। थैंक गॉड तुम बस एक पीटी टीचर हो, वरना झूठ बोलना तो डेफिनेटली बच्चों को सिखा देते। पीटी टीचर तो हूं मैं, तू क्या है? लोग की सुसु पॉटी कलेक्ट करती है तू? जा रही है क्या? क्यों जाएगी, हस्बैंड वाइफ झगड़े नहीं होते? हस्बैंड वाइफ तो हम हैं। स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं है। सबसे कमाल की बात है मसूरी के रास्ते में जहां तेरा वो कॉलेज है ना, बहुत सही डील है। एक बार अपना घर हो जाए बस, फिर तू भी वहां पीजी में शिफ्ट हो जाना, है ना कबीर? कबीर सुन रहा है क्या बोला मैंने? 2 BHK है, डील अच्छी है, ऐसी कुछ बोला था ना तूने? 2 BHK। हेलो, हे ब्रो, व्हाट? नो शिट, क्या बात कर रहा है यार? अभी? चल ठीक है मैं आ रहा हूँ, थैंक्स ब्रो। जाना पड़ेगा यार, डेडलाइन रिवाइज हो गई है, अब कल देना है। सॉरी यार। फोन कहाँ तेरा? क्यों दिखा? मैं नहीं दिखा रहा। दिखा नहीं? क्यों दिखाऊं?
अरे दिखाना किसको? एक बार देखना मुझे। क्यों फोन दिखाना? फोन दिखाना यार। फोन दिखा, फोन दिखा। क्या कर रहा है यार शार्दुल? छोड़। तुझे क्या लगता है हम कल ही पैदा हुए हैं? टाइम पास है हम तेरे लिए? महीने भर से प्लानिंग कर रखी थी हमने, स्पेशली तेरे लिए ऑफिस से छुट्टी ली आज। तू छोड़ यार शार्दुल, दर्द हो रही है यार। पता कौन है? छोड़ यार प्लीज। अच्छा फोन दिखा। नहीं फोन दिखा ना। क्या फोन दिखा? सॉरी कभी 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 सॉरी कभी वो कभी गलती से लग गया। हम आने चाहते कभी 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 सॉरी कभी सॉरी ना कभी तू मान ले हमें कभी। बॉडी करते थे ना, एक जिम जाते हैं, ये सब चस्का धीरज ने लगाया था, हमारा पहला बॉयफ्रेंड था, जिम तेरा था हमारा, पर 10 साल बड़ा था हमसे, मैरिड था, बाल बच्चों वाला, तो 2 बच्चे थे उसके, एक बार अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे भी ले गया था हमें। पर उसकी लाइफ ना, उसकी सोच ना बहुत अलग थी हमसे। बस फिर एक पॉइंट के बाद हम चटने लगे उससे, बोर हो गया हम, फिर हमने अवॉइड करना शुरू कर दिया। फोन करता था हम उठाते ही नहीं थे, कितने फोन करता था यार, कितनी बार मिलने की कोशिश की उसने, हमने तो जिम भी बदल दिया अपना। कमाल की बात क्या है, आज ना हम धीरज है कबीर की लाइफ में, पर सही है, सही सही है, डिजर्व करते हैं, एकदम डिजर्व करते हैं। सिस्टर सब जेंट्स जहाँ सोते हैं सो जाएंगे हम भी, है ना? बड़े शरीफ बन रहा, जैसे हमें पता ही नहीं तुम्हारे बारे में। आपको सही भी नहीं पता इनके बारे में, बताऊंगी कभी आराम से। पानी पियो तुम। चलो चलो चलो। लड़का ये लड़की 12 साल से अपनी तैयारी करके बैठी है, अब तुम अपना काम पूरा करो। सो साल भर होने को है,
हो गया एंजॉय। ये प्यार है ना सिर्फ थोड़े दिनों के लिए रहता है। तुम जानती नहीं हमारे भाई को, गर्ल्स के मामले में स्कूल टाइम से ऐसा करके रहा है। कहां इतना भी नहीं था। देखो एक पते की बात बता रहे हैं, बच्चा वो गोंद है जिससे शादी बनी रहती है। जरूरी है खुद का बच्चा होना, असली पूंजी तो वही है। एक एज की बात किस पे डिपेंड करेंगे? इन पे? लुक आफ्टर तो अपना बच्चा ही करेगा ना। कहाँ जा रहा है? टीवी देखने। ये देखो, इसको स्टडीज को बोलो तो सोना है, सोने को बोलो तो टीवी देखना है। औलाद नहीं हेडेक है, अपनी लाइफ रह नहीं जाती, बस इनके पीछे पीछे भागते रहो। आपने मुझे तो कंफ्यूज कर दिया दीदी, कि बच्चा करना भी चाहिए कि नहीं। अंशु, अंशु कहाँ गया लड़का? किसकी बैटरी निकालती हूँ रिमोट? अंशु तुम्हारे घर वाले बच्चे का इतना प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा है तो गोद ले लेते ना बच्चा। गोद? बक? बक क्या? अरे पागल हो गए क्या? गोद बोलते होते हमारे यहाँ। पागल मेरी तुम्हारे घर वाले हो रहे हैं, जब देखो बच्चा बच्चा बच्चा, कोई और बात नहीं है क्या करने को? तो वो भी कंप्लेन कर रहे हैं कि बहू बहुत गलत जवाब देती है। तो क्या करूँ, गूंगी गुड़िया बन के बैठी रहूँ? कुछ दिन की बात है यार, चुपचाप बहू बन के रहो ना ससुराल। रिक्शा रोको। क्या हुआ? मैं रिक्शा रोको। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? मुझे लगा था गेप होते रेगुलर बंदे सारा सेंसिटिव होता है। तुम तो एक नंबर के एमसीपी हो। एमसी क्या? क्या एमसी? ओ एमसीपी का मैंने पी समझे, वो बंदे जो औरतों को अपने से कम समझते हैं। ओ अच्छा, वो फिर ठीक है। तो उसमें गे का क्या है? तो सब समझते हैं फालतू में। और एक सेकेंड, हम गे हैं तो क्या संस्कार बोल रहे हैं अपने है? अच्छा अगर इतने संस्कारी हो ना तुम, तो एक काम करो जाकर अपने परिवार को अपना सारा सच बता दो। बोल दो ना उन्हें कि उनके घर का कुल दीपक बुझा हुआ दिया है। एक काम करो उनको ये बोल दो कि तुम उनके घर के आंगन को रोशन नहीं कर सकते। बोल दो ना। ज्यादा बोल रही हो। मैं बोल रही हूँ। शर्मान कर दो घर छोड़ के रहता। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो, कितने सुंदर है। खुश किस्मत हो बेटा। साले साहब कितना इंतजार करवाओगे, आ जाओ। दो मिनट बस, आ रहे। मर्दों की लड़ाई का खाना ये मर्द ही मर्द पे कर रहे हैं चढ़ाई, अगर बच्चा समाज के पंगा। हमारे साथ देख रहे हो? पिक्चर नहीं देखते? देखते हैं। अच्छा फेवरेट हीरोइन कौन है? फेवरेट हीरोइन कौन है? हीरोइन नहीं, गर्लफ्रेंड है। लड़कियां पसंद नहीं है? अच्छा टीचर ने बताया क्लास की लड़की को किस कर रहा था, नाम क्या है उसका? हाय लड़की को किसके? और क्या अंशु, कहाँ रहते हो यार तुम? हमने तो शुरू भी कर दी। लो अरे नहीं, वो सुमित थोड़ा सर दर्द हो रहा है तो बांध देने गए थे। अरे जीजा तुम्हारा डॉक्टर है और तुम बांह वाम दे रहे हो। अरे वो अरे हम देखते हैं जड़ से उन्मूलन कर देंगे बीमारी का। क्या है माइग्रेन है? नहीं नहीं माइग्रेन। देन व्हाट? यहीं आके थोड़ा हो गया। व्हाट? वो सब बच्चा बच्चा बोल के पीछे पड़े रहते ना तो स्ट्रेस हो गया। तो क्या गलत करते हैं? हाँ? क्या गलत करते है? साल भर होने का आगे तुम्हारी शादी है कि नहीं? हमको देखो फर्स्ट नाइट सिंगल शॉट जॉब डन। शी वाज लाइक बहन है हमारी। और
अरे नो, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट दैट सेक्स. हम उस सेक्स की बात नहीं कर रहे. और वैसे भी जिस सेक्स में बच्चा हो जाए ना, उसको सेक्स नहीं कहते, उसको दायित्व कहते हैं परिवार के प्रति. अंडरस्टूड? एक लवली हो जा. एक और बात बता रहे, वक्त रहते कर लो बच्चा, नहीं तो अगर बुढ़ापे में ना हुई औलाद ना, इधर तुम्हारी अर्थी उठ रही है. एंड योर सन इज सो स्मॉल दैट इज क्लैपिंग, पापा इज डेड, पापा इज डेड. पापा मैं मार रहे हो जी, मूड में आ जा. वैसे सुमी की एज क्या? सुमी की क्या रनिंग 32 है. वैसे देख लो, एक उम्र के बाद लेडीज लोग का कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है. वैसे तुम्हारा मामला तो फिट है ना? हाँ हाँ, हमें क्या हुआ है? तो प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? अरे यार, हमको नहीं बताओगे? आप बोल दोगे किसी को? अरे नहीं बताएंगे, डॉक्टर हैं, बहुत लोगों का बहुत कुछ पता है. बोलो. चलिए, हमने ये बात ना आज तक किसी को नहीं बताई है. हमने डॉक्टर के पास गए थे सुमी को लेके, बताया कि सुमी मां नहीं बन सकती. मांझे? अरे आप बोलना मत किसी को. नहीं, हम किसको बोलने जाएंगे, किसको बोलेंगे? अरे ये कहाँ रहती? हैं? ये नहीं आई. ए बेबी. हाँ ठीक है. अरे आ, हमें भी आना है. अरे आना है, आओ. हम क्या करेंगे? आ जाओ. हम यहाँ क्यों आए? बस 2 मिनट डॉक्टर से मिलना है, फिर चलते हैं मार्केटिंग. लड़का लग रहा है हमें. ना माँ, छुट्टी के वक्त तुम्हारा पेट भी ऐसे ही था. बेटी होगी इसको. रेखा चल चल. सब चलेंगे क्या? सुमी कम कम ना. तुमने हमें क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? तुमको इशू है इशू होने में. इशू? इशू कहाँ रह गए? पूछा ना क्या इशू हो गया, कहाँ रह गए? बोलो. कहाँ हो तुम? बाथरूम में हूँ, सैंपल दे रही हूँ. बाथरूम में? तुम तो मार्केट गई थी ना. और सैंपल क्या? यूरिन का सैंपल. तुम मार्केट में क्यों यूरिन सैंपल दे रही हो? मैं मार्केट में नहीं, बाथरूम में हूँ, हॉस्पिटल के, और यहाँ यूरिन का सैंपल दे रही हूँ. क्या शो हो गया? हुआ तो कल रात को, तुमने कहा था ना जीजा जी को कि मैं माँ नहीं बन सकती, तो ले आए तुम्हारे घर वाले मुझे झूठ बोल के. क्या करेंगे हम? तो अब क्या रखो या यस बोलोगे? पछता नहीं है ना? बस करते बस. मुझे तो जरा बाथरूम जाना है, अंदर भाग. हाँ भैया जा. हमने कहा था ना हमारे को फूल लगा. नहीं हमने नहीं दिया. नहीं दो चार्जर. अरे आपको मुझे एक मिनट. हम आते हैं. आप बंदे वाले को भी खींच के ले पूरा. ठीक है तो नीचे ले और क्या बराबर रख. भैया है तो शार्दुल ये पत्ते भी ले. शार्दुल नीचे उतरो. देख नहीं रहे काम कर रहे? तुम नीचे आ रहे हो, मैं ऊपर आऊं. तुम घर जाओ, आते हम. कहां से लाए से गठिया फूल? अरे नीचे आओ. अरे नीचे आओ. गिर जाएंगे, क्या कर रही हो? काम
भागोगी तुम? पीटी टीचर हूँ मैं, पूरा दिन भागती हूँ बच्चों के पीछे, बहुत स्टैमिना है मुझमें। क्या कहा तुमने जीजा जी को? हाँ कहा क्या? और सोच विचार करती है? नहीं शार्दुल रुको, शार्दुल ठाकुर आइए स्टॉप। ये प्लान था तुम्हारा, सबको पता है, बस तुम्हारे ठाकुर रॉक्स वाले ग्रुप में आना बचा है। जब रिपोर्ट आ जाएंगे तब क्या करोगे, सोचा कभी? अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो हैं, पूजा का समय हो गया। तुम्हारे लिए गिफ्ट है, लो। भाई जी तुम्हारे लिए भैया, लो। या श्री मनोलादिनी या रत्नाकर मंग कंसिस्टेंट विद द टेस्टेड सैंपल द स्पेसिमेन। अरे रिपोर्ट में तो सब ठीक है, तो शार्दुल झूठ बोला? नहीं, हमारा बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। क्यों बेबी? नहीं, लड़की ने कुछ बोला होगा। अरे जब बच्चे की बात करो मुंह बन जाता है उसका। आपका शार्दुल बड़ा राजा हरिश्चंद्र है, हमको तो लगता है दोनों मिले हुए हैं। मिले हुए कैसे? कभी प्यार से बात करते हो देखा है उन दोनों को? लड़ते जरूर हैं। पीहू ने देखा ना, तू बता ना। हाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमने तो अपना कमरा भी दिया था उन दोनों को, लिया उन्होंने, अलग अलग सोते हैं। हम बताइए, फर्स्ट ईयर में कोई छोड़ता है मिसेस को? हमें लग रहा है कि देहरादून जाना पड़ेगा, किसी को निगरानी रखनी पड़ेगी दोनों की। तुम जाओ। अरे तुमसे कह रहे हैं, माँ हूं ना उसकी। ठीक है भाई, खुश रहो खुश रहो। अरे भगवान की दया से देखो अब तो रिपोर्ट भी ठीक आई है, तो अगली बार जब हमसे मिलो तो बच्चा पेट में नहीं गोद में होना चाहिए। चले चलो चलते हैं। भैया ठहरो, ये हमारे तो ले लो बैग। अरे आ रहे आ रहे। अच्छा, तुम कहाँ आ रही हो? निगरानी रखने। हम लेते हैं। मैं मुझसे कहने लगी कि मैं अपने बच्चों की गृहस्थी देखूंगी, तो हमने कहा अरे तुमको परमिशन की क्या जरूरत है, जाओ जाओ। हाँ। जाओ। हाँ लेकिन टिकट तो है नहीं ना? करवा दिया कोटे में, रेलवे में जुगाड़ है अपना। अरे भैया चलो, पांच मेल मिलाप में ट्रेन मिस हो जाएगी। अरे हाँ हाँ, सब रख लेंगे, क्या करेंगे? फोन किसे कर दिया? नहीं बताना क्या? भैया आगे बैठो, अब फोन करती रहे ना। लग नहीं रहा। डाटा कैसे नहीं आ रहा तुम्हारा? क्या कर रहे हो? हमारा भी नहीं आ रहा है। आता तो खुद ना कर लेती, क्या बैठी रहती क्या? मैं चाहूँ ना फोन ही गिरा, सोचो हम गिर जाते तो बड़ी बलाती छोटे में टल गई। भैया ट्रेन टाइम पे? एक घंटे में पहुंच जाएगी। जयन सर। हाँ नाजीन, बोल। एक सेकंड होल्ड कर। हाँ नाजीन,
ये जो जोगी वाला चौक पे मिलेनियम लैब है पता है? जी सर। हाँ वहाँ जाओ, वहाँ रिमझिम होगी, उसके पास जाके हमें फोन करो। रिमझिम कौन? कजन है ना। किसकी कजन? आपकी? अरे हमारी कजन हो, तुम्हारी कजन हो, सुमी की कजन हो, हमारे बाप की कजन हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम जो कह रहे करो ना यार। जय हिंद। भाई सुनो, तुम अभी भी उस नाजनीन के साथ? रिस, साथ काम करते हैं हमारे थाने में, ना करें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। हेलो मैडम, यहाँ रिमझिम काम करती है। हम क्या कर रहे? कुली के लिए रुके। हाँ नाजनीन बोलो। हाँ दो 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 बात करो। हेलो। अरे कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहे हैं, अपना फोन किस स्विच ऑफ किया हुआ है? नंबर पोर्टेबिलिटी को दिया है। तुम्हें आज ही करना है ये सब? हाँ तुमसे पूछ के करेगा। तुम बहस मत करो हमसे, तुम अपना सामान लपेटो, निकलो वहाँ से, मम्मी आ रही है। किसका मम्मी? अरे हमारी हमारी मम्मी। नाइस ट्राई। हाँ अरे सच्चे बोल रहे हैं मम्मी कसम। आई डोंट ट्रस्ट यू। तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये भी बात करती है नाजनीन से? हाँ आप तो सब दोस्त हैं ना, फ्रेंड्स हैं। चल चल टैक्सी। जी भाई जी चलोगे? बिल्कुल जाएंगे। चुंगी की ओर से लेना, वो तो लंबा पड़ेगा ना भाई की। तो ट्रैफिक कम होगा ना अभी वहाँ, तो वहीं से ले। तो घंटाघर से ले लेता हूँ, वहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। पुलिस को सिखाओगे कौन सा रास्ता लेना चाहिए? आईडी दिखाओ। आईडी? मुझे क्या दिखा रहे हो, उसे दिखाओ। नहीं नहीं यहाँ से घुमा। अरे क्या कर रहा है, ये घुमाना अपनी साइड। अरे आगे वाला पीछे नहीं, पीछे वाला आगे घुमा। आगे ले, पीछे 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 ले। अरे घुमा, क्या कर रहा है, ड्राइवर लगवा दिया। जैन सर। हाँ बोलो। बस निकल रही है सर, ऑटो मंगवा लिया सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू, थैंक यू नाजनीन। जैन इतना घुमा के क्यों ले रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट लेना, शॉर्टकट है। भैया रोको 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 रोको। पहुंच गए मम्मी। हैं? तो बढ़िया पार्क है, सब कुछ है, कोई टेंशन ही नहीं है। आ जाओ मम्मी आराम से। Scared me. Breathe. मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। अरे ये थोड़ी ना हमारा घर, हमारा घर तो ऊपर है। हाँ वो छुट्टियां इतनी लंबी होगी ना, कंफ्यूज होगी। बताओ सुमी तुम भी आ जाओ, ऊपर रहते हो तो कमर पकड़ी। अरे कोई बात नहीं, चलो भूल गए। हाँ बताओ कैसे कैसे हो जाता ना, आजकल मम्मी कुछ याद ही नहीं रहता है। अब तुम आ गई हो ना, वो बादाम भिगा देना है जो भिगाती थी पहले ना। सुमित तुम भी खाना, गीले गीले मुंह में पिघल जाते हैं। बस आगे आगे न पता चले सुमी एक दिन भूली गई कि हम उसके हस्बैंड है। वो मसूरी के पहाड़ है, मसूरी भी चढ़वाओगे क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी, और ये ऊंची बिल्डिंग है मम्मी, एक बार तो पहले ही चढ़ा दिया पागल। पीछे तो हमारा थाना एकदम, और उसके पीछे हमारा स्कूल। और मम्मी वो घर, मम्मी
रे, यही तो है। ये कौन है? ये कजिन है ना? किसकी? डीएसपी साहब की वाइफ, उनकी कजिन है, चाबियां यही रखती है। अच्छा, इनके यहाँ इंडियन टॉयलेट है ना, तो हमारा यूज करने आ जाती है। कैसा है मैडम? ठीक है। ठीक है। कर लो, कर लो आराम से। नमस्ते। नमस्ते। बाय। दोनों छोटे से कमरे में रहते हैं, बिस्तर भी छोटा सा ही है। बिस्तर छोटा है? अरे तो फिर क्यों नहीं हो रहा बच्चा? बेबी, तुम सुम्मी के माँ बाप से बात करो। कि वो बात करें? अरे उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। और हाँ, सोती मत रहना, अपना काम भी करती रहना। सुम्मी, दूध पीजा। नमस्ते। नमस्ते। ये नाजनीन है मम्मी, शार्दुल के साथ काम करती है। ये मेरा बेटा जोए। ये बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं आजकल, पता नहीं कब जाएंगे यार। माँ कैसा है? एकदम शार्दुल की कॉपी है, सेम टू सेम है दोनों, ना कोई डिफरेंस। अरे तो बेबी, तुम ऐसा करो, देर रात तक टीवी देखो वहां बैठ के। हाँ देखती रहो टीवी। अरे कोई भी चैनल देख लेना, मैं वो भी बताऊं क्या देखोगी क्या नहीं देखोगी। मम्मी, रहने दो ना, यहाँ तो सब अडल्टी है। हमें नींद कहाँ नहीं, हम तो टीवी देख रहे थे अपना, चला मोबाइल से। क्यों चौकीदारी कर रही हो? तुम्हारे बैठने से होगा बच्चा, कर रहे हैं ना कोशिश, ज्यादा जल्दी तो गोद ले लेते हैं बच्चा। ले ले गोद। क्या गोद लेंगे बच्चा? गोद लेंगे बच्चा क्यों? अरे बच्चा पैदा करने से फिगर खराब हो जाएगी ना उनकी, उन्हें तो जींस पैंट पहननी है। सुनो बेबी, बहुत बेटा बेटा करके बात कर ली, अब जरा सास बनो उसकी। सास बने कैसे? बेबी जाओ कलम कागज लेके आओ। दीदी आपकी बात करा दे क्या डायरेक्ट? अरे लिखो। अच्छा एक मिनट। हाँ दीदी। बोलिए। सुमी अब तुम स्कूल से जल्दी घर आया करो, अगर स्कूल में ही सारा दम चम लगा दोगी तो घर के लिए कैसे बचेगी एनर्जी? और ये पैंट शर्ट हर समय मत पहना करो, सज धज के राख करो, क्योंकि पति को रिझाने की जिम्मेदारी औरत की है ना? और भी है? मैं पढ़ लूं? कि
राइटिंग आ रही है समझ लाइट भी बंद करके सोया करो कभी कभी मिस्टर लोग भी शर्माते हैं ना मैं रख लू ये हाँ तुम्हारे लिए तो है ये देखो देखो ये स्कूल का सर्कुलर आता है ना मेरे वैसा आया हल्द्वानी से कि बच्चा कैसे करे सुबह प्रसाद खिलाओ शाम को अडल्ट बातें करो रात को पहरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है मेरा मम्मी पापा तक से बात कर ली उन्होंने उनका अलग ज्ञान शुरू तुमने क्या बोला क्या बोला मैंने हड़का दिया मैंने तो तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं जब देखो बच्चा चाहिए अरे कहां से दूं मैं बच्चा उनके लिए सेक्स कर ले क्या कर ले क्या क्या सेक्स नहीं मतलब बच्चा फैमिली की चिक चिक खत्म हो जाएगी थोड़ा सा कर सकते हैं पहले से डाउट था इस पे धीरे बाय लगता है धीरे बोलो शॉर्ट्स पहनते टाइम कैसे घूर घूर के देखता था ना हम घूरते थे हाँ तुम घूरते थे अरे 6-6 साल के बच्चों के निकर पहन के घूमती है हमें डर लगता था कोई देख लेगा क्या कहेगा एक सेकंड ये बाय किसको बोल रही है तो डरबी के फोर्स कम कर रहा था हमने फोर्स किया तुम बोलोगे कुछ पहन बता रही है हमारी महिला थाना ही हमें डाल देंगे अंदर फिर भी कुछ नहीं हुआ तुमसे घटिया बातें करते रहो घटिया प्लान बनाते रहो अच्छा हमारा प्लान घटिया है ना तो तुमने क्या कर लिया तुमने बनाया कोई प्लान आज तक नहीं क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तुम्हारा दिमाग भरा है गोबर तुम प्लान नहीं उपले बनाओ उपले क्या उपले उपले वो जो ऐसा गोबर का केक बनाते नहीं फिंगरप्रिंट लगाते तुम्हें हम उपले समझाने आए यहाँ पे जाके प्लान बनाओ अपना कानून पे भरोसा रखिए ये शादी कोर्ट में मान्य नहीं है होनी भी नहीं चाहिए नहीं होगी आप क्यों हल्ला मचा अरे पक्का दारू पी गया है दंगा कराएगा ये पक्का नशेड़ी है इमरे जी सर ये इसको बुला के लाइए जाके सोना चाह बुला रहे हैं
क्यों पहना है? शर्माती हो? सर। हाँ? हाँ। नाम? अनाम। टाइटल? टाइटलर। सर, पक्का दारू पी गया है? दारू पी गया है? नो। हाँ, हुक। और थूक नहीं, हुक। जब चलते चलते राह मुड़े, जब जुगनू मुट्ठी खोल उड़े, जब नैन ये तोड़े रूल सभी, और खुल के कर ले भूल सभी, भूल सभी, भूल सभी, तो अटक गया है ये मन, अटक गया है कुछ, चटक गया है ये मन, अटक गया है तो अटक गया है ये मन, अटक गया है कुछ, चटक गया है मम्मी। ये ठीक है, पॉइंट नंबर 9 था ना, पति को रिझाओ, तो ये ठीक है ना? हाँ हाँ, तो एक फोटो खींच ले, ताई जी को भी भेज देंगे। हाँ, फुल लेंथ है ना। ताई जी को रहने देते हैं। क्यों? थोड़ा छोटा कर, थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, कोई चिंता की बात नहीं, छोटा नहीं, इतना ठीक है, हमारी खींच जल रही है। वैसे आप सब जो कुछ भी चाहते हैं मम्मी, मैं सब कर रही हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली मम्मी, सिक्का आप ही का खोटा है। समझ रही है ना? आपका सिक्का शार्दुल। अरे वाह, खीर क्या हुआ? ज्यादा खीर खा ली क्या मम्मी के हाथ की? सही है, भागो अभी। आपको लू? क्या हो गया? क्या क्या हुआ? क्या? सुमी, मम्मी, सुमी, 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 हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ खड़े होकर कसरत कर रही हो? हाँ? ज्यादा नाटक मत करो, बताया मम्मी ने क्या बोला तुमने उन्हें हमारे बारे में? तो तुमने भी तो बोला था कि मैं माँ नहीं बन सकती। तुम बदला ले रही हो? हमारा अच्छा प्लान था, चला नहीं तो क्या हुआ? कम से कम प्लान अच्छा था। ये क्या है? ये क्या बोल दिया? इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? इस बार प्लान काम करेगा, तुम्हारा स्पॉम कार्ड काम आएगा रिपोर्ट में। हमारा स्पॉम कार्ड तो संडे को निकलेंगे, है ना? तो आज हमारा स्पॉम कार्ड, हमारी फैमिली देखी है तुमने?
ऐसे बच्चे बनाने की फैक्ट्री लगती है कभी कभी। वो तो पापा बी एस एफ में थे इसलिए घर कमाते थे, वरना दो तीन भाई बहन होते हैं हमारे। हमारा स्पर्म काउंट यार, तुम्हारा टेस्ट रिमझिम के लैब में होगा ना? तो रिमझिम की लैब में लोगों का स्पर्म काउंट सूख जाता है क्या? यार तुम माँ बेटे दोनों ही, वो खोट क्या है समझ में नहीं आ रहा। शायद तो अगर रिमझिम के लैब में तुम्हारा टेस्ट होगा तो उसके कंट्रोल में ना वो कम करे या ज्यादा करे तुम्हारा काउंट। कानून है ना, हम कानून है सर। तुम प्रूव कर दोगे कि हम नामर्द हैं? अरे हम नामर्द नहीं, नाम नाम क्या नामर्द नहीं है हम। सुम्मी मनाल मम्मी के घर रह रही हूँ। क्यों? तुम्हारी रिपोर्ट आ रही है ना, मेरी हंसी छूट जाएगी। पास हो गए भैया? यूपीएससी एग्जाम देने नहीं गए थे। रिपोर्ट देखी यार तुम्हारी? अरे सर, यहाँ तो ग्रेस मार्क्स की भी उम्मीद नहीं है। देखो दिल छोटा मत करो भैया, हमने बात कर ली, वो सब मान भी गए। क्या मान गए? सुनिए बेटा, शार्दुल जी आए हैं। ऊपर वाले की जैसी मर्जी, हमें अभी पता चला। छोटा नहीं है। अच्छा दिल छोटा, दिल छोटा मत करना बेटा। कौन से? नहीं नहीं वो सुबह मौन रत। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात कर। क्या हुआ? वो एक गड़बड़ हो गई। क्या? वो मम्मी हमेशा बाहर चौकीदारी करती रहती थी ना, और तुम भी बहुत परेशान रहती थी, तो वैसे ही एक रात हमने उनको बोल दिया। अब क्या बोल दिया तुमने? नहीं वो तुमने ही बोला था ना कि हम बच्चा गोद ले सकते हैं। हाँ तो सब मान गए कि हम बच्चा गोद ले सकते हैं। मान गए? हम बच्चा गोद ले सकते हैं? तुम्हें सच में चाहिए क्या बच्चा? तू हमेशा से अच्छा, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? नहीं पता नहीं, कभी सोचा नहीं, पॉसिबल भी नहीं था ना। तो आजकल अडॉप्शन का प्रोसेस ऑनलाइन ही है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप दोनों इसमें डिटेल्स भर दीजिए। आप लोगों का केस तो वैसे भी जेन्युइन है, हो ही जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए आपको बच्चा। थैंक यू सर। कुछ आशी गया कुछ भूख लग गई इसे, है ना? उन्हें लग रही हो 12 बजे चले उन्हें लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू। जूनियर ठाकुर। ठाकुर क्यों भाई, सिंह क्यों नहीं? टाइटल तो बाप का ही होगा ना। अरे क्यों, बच्चा तो मेरा भी है ना। बिल्कुल, फिर तो नारायण भी रख सकते हैं। नो नो नो, मैं तो सिर्फ सीनियर ठाकुर में इंटरेस्ट। अच्छा ठीक है, पब्लिक प्लेस है। सुमी,
एक बात बता देते हैं, हम ना बहुत स्ट्रिक्ट बाप बनेंगे। अरे निकल ही गई ये तो। अरे जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, सर जल्दी आओ, सर निकल भैया। चार जोड़ी तो कपड़े हैं, उनको पैक करने में 5 घंटे लगते हैं क्या? क्यों परेशान हो रहे हो? कल से तुमने कराई थी रिजर्वेशन, अनूप ने कराई थी, वो करा देगा, फिर हम बोल देते हैं। कराएगा सब, इतना आसान है ना। तुझे मैसेज करे थे, निकले यहाँ से। क्यों? मिस होगी, मम्मी है साथ में। नमस्ते आंटी जी। ओहो ट्रेन मिस हो गई, चलिए अच्छा हुआ आपसे मिलने का मौका बन गया। मिलाओ यार, दोस्त है गुरु। पुराने दोस्त हो फिर? नहीं नहीं, कुछ ही दिन पहले मिले थे, लेकिन दोस्ती बहुत गहरी होगी। मैं अभी भी होते हैं जैसे वैसे। वो क्या है ना, मैं वकील हूँ, ये पुलिस वाला है, तो कभी झगड़ा कभी प्यार होता रहता है, मैं अभी भी जैसे। क्यों शेरा? कचहरी में मिले थे फिर? नहीं, अमित और हर्ष की शादी में मिले थे। अमिता और हर्ष की शादी थी। अमिता? हाँ, वो ये ना अमिता को हमेशा अमित बोलते। तो भैया बताया नहीं कभी इनके बारे में तुमने क्या? हाँ आंटी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं छुपाने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अरे रुको ना, बात कर रहे हैं ना, रुको। मैं आपको मम्मी बुला सकता हूँ? मेरी मम्मी नहीं है ना। हाँ हाँ बुला लो ना मेरी मम्मी। मम्मी बेटा आ जाओ मम्मी, आओ ना एक कप चाय पी के जाओ। अरे नहीं नहीं ये लेट हो रहा है, आप चलो ऊपर, हम सामान लेके आते हैं। अच्छा फिर कभी। ठीक है ठीक। क्या कर रहे हैं मरवाए का? मैं तो बस मजे ले रहा था। क्यों ना लो? ना लो, बेकार में आए पर। तो आज का प्लान तो नहीं? क्यों मारे ना, हम सामान रख के रुक। हमारे बारे में कुछ मत बोलना प्लीज। बोर्ड क्या बोला तू? बोलना क्या बोला? जो सच है वही बोला ना मैंने तेरे को। दोस्तों क्या बोलूंगा, मेरी बहन लेस्बियन है, घटिया साली। तू तमीज से मत कर, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। तू तमीज सिखाएगी उसे? तू मुझसे 10 साल छोटा है, कैसे बात कर रहा है?
देखो जरा, देखिए जरा, दो पैसे की शर्म नहीं है इसकी आंखों में। नीचे कर आके, नीचे कर। जिंदगी भर अपने माँ बाप को धोखा देती रही, तू मर क्यों नहीं गई? मर जाती। आप कुछ बोलिए ना उसे, आप बोल क्यों नहीं रहे? दुकान जा रहा हूं मैं। आज घर पर जो कुछ भी हुआ ना पापा, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है। मैंने पता नहीं कितने बार इस दिन के बारे में सोचा था कि आप लोग क्या कहोगे, क्या करोगे, मेरी बात समझोगे भी या नहीं। मम्मी ने आज जो कुछ भी कहा ना, मुझे लगा कि मैं पहले सुन चुकी हूं। नमन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया मुझे, पर मुझे पता था कि वो शायद कुछ ऐसा ही बोलेगा। पर आपके बारे में लगता था कि आप हर बार की तरह गले लगाकर मुझे कहोगे कि सुमी कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तेरा पापा तेरे साथ खड़ा है। नहीं कह पा रहे ना आप, मैं समझ सकती हूं। लेकिन मेरा मन रखने के लिए कह दो ना एक बार, प्लीज पापा। गुस्सा हो ना आप तो गुस्सा करो ना, ऐसे तो मत रहो प्लीज, कुछ तो कहो ना पापा। मेरे घर ही क्यों? एक्सपीरियंस आ रही हो, मानक भी नहीं पड़े, संबंध बनाते वक्त भी नहीं। तुम्हारे बीच कुछ हुआ भी है कि नहीं? अरे कैसे पुलिस वाले हो भाई, खुद के घर में ठगी हो रही थी और तुम मौन साधे बैठे रहे। भोले शंकर बने, अकेले विष पी रहा था। हमने तो कितनी बार कपड़े भी बदले थे उसके सामने। और हाँ, हमारे तो बगल में सोती थी, सोच के भी घिन आती है। होम्योपैथी में भी दवा नहीं है इस बीमारी की। क्या बोल कर रहे हो आप लोग? घिन आती थी क्यों? और आप तो डॉक्टर हो ना जी, आपको तो पता होना चाहिए ना, बीमारी नहीं है ये, कोई नेचुरल होता है। कोई बड़े होने के बाद आपसे पूछता नहीं है कि डिसाइड कर लो लड़की चुननी है कि लड़का हो? अंदर से आती है ना फीलिंग,
ऊपर वाले ने बनाया ऐसा क्या करें? इंसान है कोई कोई जानवर नहीं है समलैंगिक। और सुमी कौन है? कौन है? बहुत अच्छी लड़की है, कोई ठगा वागा नहीं है उसने हमें, पहले से पता था हमें। जो परिवार है हमारा इतना बड़ा, हमेशा औकात से ज्यादा प्यार मिला है आपको। फिर भी ना अकेला ही फील किया हमने अपने आप को, अपना सच बांट ही नहीं पाए किसी के साथ, हम है ही नहीं कोई। एक मिली थी, तो अगर 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 आप लोगों को घिन आती है ना उससे, तो हमसे भी आनी चाहिए। जैसे आपको लगता ना ये कि वो बीमार है, तो ना हम भी बीमार ही हैं। क्योंकि क्योंकि गे होमो समलैंगिक जो जो बोला ना आपको, हम भी हैं। गे हम हेलो हेलो शार्दुल, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हेलो हेलो, मैं हमने बोल दिया, बता दिया। कॉल करते हैं तुम्हें शाम को, ठीक है? क्लास का टाइम हो गया हमारे। हाँ ठीक ठीक।
अपनी दुनिया उतनी हसी है जितने हसी हम हैं। जहाँ पे भी तू है जहाँ पे सुकून है अब तो वही हम हम रंग है हर रोशनी के संग है हम संग है हम रंग है हर रोशनी के संग है हम संग है उठाएंगे एक रंग मीठा होगा एक थोड़ा चटखारा एक रंग चंदा होगा एक टूटा सा तारा हसी हम हैं जहाँ पे भी तू है जहाँ पे सुकून है अब तो वही हम हैं तो वही हम हैं। डीएसपी साहब के मैसेज बहुत मिस करती है तुम्हें, पूछती रहती है सुमी कहाँ है सुमी कहाँ है। अच्छा तुमने क्या बोला? सच बोल दिया, बच्चे रहती भाग गए कजन के साथ। मैसेज आया तुम्हें? कौन सा? मंडे 2 बजे डाइवोर्स काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट है। इतने बुरे हस्बैंड डाइवोर्स दे रही हो? अच्छा हमें भी आया एक मैसेज, वो अडॉप्शन की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। थोड़ा बाद में मुंह काला कर लेती, बच्चा तो होता।
हमने और सुमी ने डिसाइड किया कि हम डाइवोर्स नहीं ले रहे हैं, साथ रहेंगे पहले जैसे हस्बैंड वाइफ की तरह। क्योंकि हम दोनों बच्चा चाहते हैं, हम बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं। सिंगल लड़कियां कर सकती है बच्चा अडॉप्ट, लेकिन मैं लेस्बियन हूं तो लीगली मेरे पास ये हक नहीं, इसलिए गोद ले रहे हैं। अब देश का कानून ही कुछ ऐसा है कि सिर्फ नॉर्मल वाले पायलट कपल ही गोद ले सकते हैं। किस किस को समझाते फिरेंगे ना कि हम नॉर्मल ही हैं। अब आपके ऊपर है कि आप सब हमारी इस शादी का हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं। हमारी शादी पहले भी कॉम्प्रोमाइज थी और अब भी कॉम्प्रोमाइज है। पहले आप लोगों की वजह से थी, अब देश के कानून की वजह से। अब आप बैठ जाइए। किंग किंग हो सकता है, किंग क्वीन हो सकता है, क्वीन क्वीन नहीं हो सकता। वो लड़कियां हैं, मैं लड़कों के बारे में बात कर रहा था। शुरू करें? बिल्कुल। माता पिता आगे हाथ बढ़ाइएगा। कीजिए पंडित जी, कीजिए। हाथ जोड़िए। ओम नमः गणपते नमः। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुवक्षणं कृष्ण भगवान की जय। दुनिया भी चली रही है। रिमझिम तो सुम्मी के साथ बैठो, बैठो, जाओ, माँ को होना जरूरी होता है पूजा में। जाओ साहब, और बैठो यहां साथ में। वैसे बाप बनने के लिए नहीं कह रहे, साथ में बैठने के लिए कह रहे। हम रंग है हर रोशनी,
संग है, हम संग है, हम रंग है, हर रोशनी के संग है, हम संग है। दालान में है छोटी छोटी सी खिड़कियां, झांकती है जिसमें दो पगली सी अखियां, टेढ़े मेढ़े अखरों में लिखती है ये अर्जियां, प्यार की बोली में मीठी मीठी सी पत्तियां, तेरी मेरी सांसों की रेशमी सी